समझी। महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी और ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी विवाद बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि ये दबंग नेता आखिर कहां फरार हो गया। पुलिस सूत्रों से तो साफ हो गया है कि आरोपी श्रीकांत त्यागी नोएडा से फरार होकर उत्तराखंड की सीमा में घुस गया था। पुलिस की कई टीमें उसके नजदीक भी पहुंच गई, लेकिन अचानक वो फरार हो गया। समझी। वीडियो में अपनी हेगड़ी दिखाने वाला श्रीकांत त्यागी आखिर कैसे यहां तक पहुंचा, क्या कारोबार वो करता है, आइए उस पर नजर डालते हैं। श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड में भी एक बड़ा कारोबारी है। आधा दर्जन से ज्यादा उसके पास फ्लैट हैं। हाल ही में उसने ऋषिकेश और हरिद्वार में जमीन खरीदी है। त्यागी ने सीएनजी पाइप बिछाने का बड़ा ठेका भी हासिल किया है। कई ठेके पट्टे के काम वो उत्तराखंड में कर रहा है। श्रीकांत त्यागी की तलाश पुलिस कर रही है और उम्मीद है जल्द श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में होगा। नोएडा अथॉरिटी की ओर से भी नोएडा ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी वाले फ्लैट के अवैध निर्माण पर पुलिस की मौजूदगी में अथॉरिटी ने बुलडोजर चलवा दिया। शासन का एक्शन लगातार गालीबाज नेता पर जारी है। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।